और जब मुझे लग रहा था कि दिन काफ़ी अच्छा जा रहा है, वो गिर गया और उसका लेंस टूट गया। हाय गाइस, वेलकम टू द नेचुरल एंगल। माय नेम इज हितेश। तो इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा दोबारा से भरतपुर बर्ड सेंचुरी में, और हम देखेंगे कि यहाँ पे आप अपना एक फुल डे कैसे स्पेंड कर सकते हैं। मॉर्निंग टू इवनिंग हम पूरा इसको विजिट करेंगे, पूरा एक्सप्लोर करेंगे, और साथ साथ देखेंगे कि मॉर्निंग सेशन ज़्यादा अच्छा रहता है या इवनिंग सेशन ज़्यादा अच्छा रहता है। सेंचुरी में डायरेक्ट एंटर करने से पहले हम लोग चले गए थे जो सेंचुरी के आगे जाके लेफ्ट साइड में एक कट आता है, और जो पुल है उसके पास का एरिया है वहाँ पे हम चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे स्पून बेल और स्टोक्स और ओपन बेल और आई बेस वगैरह हेरॉन्स वगैरह ने काफ़ी नेस्टिंग कर रखी है, और बिल्कुल आई लेवल पे आपको अच्छे शॉट मिल जाते हैं। मॉर्निंग में वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ सनलाइट बहुत प्यारी मिल जाती है, फ्लाइंग शॉट अच्छे मिल जाते हैं, स्पून बेल वगैरह के जो ईज़िली वैसे इतने वो क्लोज आने नहीं देते हैं, हेरॉन के मिल जाते हैं, अभी जुवेनाइल भी हो रखे हैं इन सब के, तो काफ़ी हैपनिंग्स एटमोसफेयर वहाँ पर रहता है। मैंने अपना Insta360 बैक के साइड में लगाया था वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, और जब मुझे लग रहा था कि दिन काफ़ी अच्छा जा रहा है, वो गिर गया और उसका लेंस टूट गया। उसके बाद हम लोग जब अंदर आए तो हम एक ट्रेल है वहाँ पे चले गए थे इन सर्च ऑफ लेपर्ड एंड हाइना, क्योंकि अभी सुनने में आया है कि यहाँ पे लेपर्ड एक स्पॉट हो रहा है, बट लेपर्ड और हाइना हमें तो कुछ मिला नहीं। और जब तक हम बाहर आए उसके बाद हमने अभी थोड़े बहुत अभी पिंटरेस्ट स्टॉप के कुछ शॉट्स लिए ही हैं, लेकिन लाइट अभी काफ़ी हार्श हो गई है, इट्स ऑलमोस्ट 12। सो अब हम एक या दो घंटे का ब्रेक लेंगे, और ब्रेक लेने के बाद 2-2.5 घंटे से हम दोबारा एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, और जो हम दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे वो हम चलाएँगे सनसेट तक, पूरा जब तक सनसेट होगा उसके बाद हम सेंचुरी से बाहर निकलेंगे। जब हम ब्रेक लेने जा रहे थे तभी हमें दिखा एक मॉनिटर लिजर्ड। और जब मैं सोच रहा था कि ये तो दूर से निकल गया, काश हमें कुछ अच्छे शॉट्स मिल जाते, कुछ अच्छे क्लिप्स मिल जाते, तो वो भी हो गया। ले अभी लगाओ, 16 गाड़ी आया है अंदर अंदर, 16 गाड़ी निकालो, 16 गाड़ी बस ऊपर है, ऊपर ऐसे उठा लो यार, ले चल चलो मुझे खाने दे भी, तुम लोगों की तो पार्टी होती रहेगी, आपके पाइथन अच्छे दिखेंगे। टाइम हो गया है लगभग 3:30 बज रहे हैं दोपहर के, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सेकंड सेशन ऑफ द डे। लेट्स सी, देखने को हमें क्या मिलता है अभी। आगे बना रहे हैं।
वॉच टावर पे पहुंचने के बाद जो व्यू हम लोग देख रहे थे वो कुछ ऐसा था। लगभग 1000 से ज़्यादा पेंटर स्टॉक्स ऑलरेडी आ चुके हैं, डार्टर्स और कॉमोडेंट्स भी काफ़ी क्वांटिटी में आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे नंबर में आ रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाला सीज़न भरतपुर के लिए बहुत ज़्यादा हैपनिंग होने वाला है। सो फॉर दिस ट्रिप वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम भरतपुर। काफ़ी कुछ मिला, काफ़ी कुछ हमें जो उम्मीद थी वो नहीं भी मिला। पिकॉक वगैरह के काफ़ी अच्छे वीडियोस वगैरह मिले। फाइनली हमें मैमल्स भी दिखे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है तो मैमल्स बहुत लिमिटेड एरिया में हैं अभी। स्पॉटेड डियर दिख गए हमें और हाइना का लगा हमें कॉल थी लेकिन वो दिखा नहीं। बाकी इसके लिए अभी लीड टूर फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स। टूर से रिलेटेड बाकी जगहों पे जहाँ मैं जा रहा हूँ, पीलीभीत वगैरह जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है वहाँ मेरे को अब जाना है। उसके अलावा और जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँगा उसके बारे में भी मैं उन्हीं चैनल्स पे शेयर कर दूँगा। सो स्टे ट्यून्ड।